हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज अतुल धीमान एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल सेशन। एंड ये सेशन है मिस्टर साहिल के ऊपर, जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, वो एग्जाम्स जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स हैं, और कैसी इनकी जर्नी रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी सीजीएल 2018 ऑडिटर का एग्जाम क्वालिफाई किया, देन सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 मेट्रोलॉजी असिस्टेंट, देन असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, देन एलडीसी हरियाणा कोर्ट क्लर्क, और अभी ये क्या कर रहे हैं। सो बहुत सारे एग्जाम्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी थी और कैसे इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ अपना फॉरवर्ड किया, और आज जो है ही इज वेल सेटल्ड, वेल एस्टैब्लिश एंड वेल सिक्योर्ड कि हाँ जॉब की तरफ से ही इज हैविंग नो प्रॉब्लम। तो इनकी जो जर्नी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग देखने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल, कंग्रेचुलेशन एंड एट द सेम टाइम वेलकम टू अभिपीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई फील प्रिविलेज्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। ओके, तो साहिल सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम साहिल एंड आई लिव इन मोहाली बेसिकली, एंड जस्ट लाइक ऑल अदर ये ट्रेंड चला था 2013 में कि हमें बीटेक ही करना है, तो मैंने भी बीटेक किया, कंप्यूटर साइंस में अच्छा किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन प्राइवेट फॉर्म फॉर सम टाइम, एंड देन आई एम नॉट गेटिंग अ गुड सेंस ओवर देयर दैट I belong here, basically. I am not getting that. So my friends told me about the government exams and I started searching. I don't know earlier about any government exam, about UPSC, about SSC, what is that, okay? And what does it stand for? Even I don't know about that. So I searched SSC ke bare mein kiya, UPSC ke bare mein kiya. So basically start maine UPSC se kiya aur usme maine 2-3 saal lagaye. So फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें नहीं कर पाया, तो मैंने जल्दी से शिफ्ट किया एसएससी की तरफ और मैंने विद इन नो टाइम स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और विद इन 1 or 2 ईयर, क्योंकि एसएससी का प्रोसेस ही बहुत स्लो है, तो उस दौरान में मैंने पहला एग्जाम अपना क्रैक किया। फर्स्ट में मैं क्वालिफाई हुआ 4th ईयर तक, जो फर्स्ट एग्जाम था मेरा 2017, बट आई डिडंट गेट एनी जॉब फ्रॉम दैट। और 2018 में कोर्ट केस चला, वो 4 साल लटका, तो वो तो काफ़ी देर से था ही, तो 2022 में जाके हुआ। उसके बीच उस दौरान में मैंने काफ़ी एग्जाम्स बाकी दिए भी, बट आई डिडंट जॉइन दैट बिकॉज आई वाज टू मच अटैच टू दिस जॉब। एक्चुअली आई लाइक इट सो मच एंड आई गॉट ऑडिटर इन सीजीडीए, एंड आफ्टर दैट मुझे चंडीगढ़ एमसी से कॉल आया जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो लोकल के कारण मैंने ये अच्छा एग्ज़ाम था और मैंने ये चीज़ ज्वाइन की, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एग्जाम एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज सब इंस्पेक्टर एनफोर्समेंट। ओके ओके ग्रेट। साहिल सबसे पहले अपनी अपने एकेडमिक में आपने इंजीनियरिंग की, राइट? इंजीनियरिंग आपने 4 साल किया, लेकिन 4 साल में आपने इंजीनियरिंग ही की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया, आपके पास उतना अवेयरनेस नहीं था, राइट? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है। मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग किया और अपना कंप्यूटर साइंस पे ध्यान दिया था पूरा, और उससे मैंने जॉब भी की बट वो मुझे सूट नहीं की, तो मैंने शिफ्ट किया उस तरफ उसके बाद 4 साल के बाद। राइट राइट राइट। एंड आपने 1-2 साल अपना यूपीएससी के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बाद यू डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर द एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए चलते हैं। यस एक्चुअली हाँ, बिकॉज ऑफ माय कंडीशंस, माय इकोनॉमिकल कंडीशंस, आई हैव टू गेट द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, सो आई शिफ्टेड, अदरवाइज आई विल स्टिक टू दैट ओनली। ओके, बट आई एम हैप्पी दैट आई शिफ्टेड। गुड गुड गुड। आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर था, तो वहां से आपको कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा बेटर होता है प्राइवेट सेक्टर के? बेसिकली हमारी फैमिली में, मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, माय मदर माय सिस्टर, और मेरे रिलेटिव में कोई नहीं था, सिर्फ मेरे मदर टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। तो उस समय पे तो कोई एग्जाम नहीं होता था, तो उस समय पे जो भी क्राइटेरिया था इनके इंटरव्यू थे, तो उससे देख के मुझे प्रभावित हुआ, जैसे वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे थे हर बच्चे पे, हर गरीब बच्चे पे। एक्चुअली मैं भी उनके स्कूल जाता हूँ कभी कभी फ्री क्लासेस लेने,
तो मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, इनको कोई नहीं पूछता लेकिन इनको सरकार पूछती है। तो उस नजरिए को देखते हुए मेरा रुझान इस तरफ हुआ कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हम डालते ही हैं गवर्नमेंट सर्विस में आके। तो इसके बाद मेरा रुझान शुरू हुआ और मैंने ये देखना शुरू किया। ओके। सो आपने फर्स्ट एग्जाम जो क्वालिफाई किया वो एसएससी सीजीएल 2018 का ऑडिटर का एग्जाम था। जी। आई गॉट ऑडिटर, आई गॉट रैंक अबाउट 6200 रैंक इन दैट। आई गॉट ऑडिटर इन सीजी, आई सिलेक्टेड ऑडिटर इन सीजीडीए एंड मैं कोई और डिपार्टमेंट में मिल सकता था लेकिन लोकेशन के कारण ही मैंने ये दिया था। अच्छा। तो मुझे नॉर्थ कमांड मिली थी जम्मू में। वेस्ट कमांड की मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि चंडीगढ़ मिल जाएगा इस समय, बट अल्टीमेटली मिला नहीं आपको, है ना? अल्टीमेटली मिला नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की, अल्टीमेटली मिला नहीं मुझे। नहीं तो वहां पे अगर आप सर्विस दोगे कितने साल तक सर्विस, तो जबरदस्ती आपको वहीं पे रहना पड़ेगा फॉरएवर या फिर आप यू कैन शिफ्ट टू वेस्टर्न कमांड आल्सो? 3 इयर्स का क्राइटेरिया होता है इसमें कि 3 इयर्स तो आप कमांड चेंज कर ही नहीं सकते, उसके बाद प्रायोरिटी देखी जाती है डिसेबल्ड वुमेन। तो हमारा लड़कों का नंबर तो बेसिकली 6 या 7 इयर्स के बाद ही आता है मोस्टली। अच्छा, ओके। यस ऐसा है। राइट। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने एग्जाम जो यूपीएससी से एसएससी की तरफ शिफ्ट किया, तो मेहनत क्या कम करनी पड़ती है एसएससी के लिए या मेहनत वही है, बस बात यह है कि एसएससी का एग्जाम में आपको थोड़ा वो मिल जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा मिल जाएगा बच्चों का, हर कोई एसएससी की तैयारी करे, क्या डिफरेंस क्या है यूपीएससी एसएससी में? यूपीएससी में रहते हुए मैंने ये देखा, एक तो वॉल्यूम 10 लाख का, बेस 10 लाख का होता है जो एग्जाम अपीयर करते हैं या भरते हैं यूपीएससी में, और यहाँ पे 35 लाख का होता है जो भरते हैं, जो अपीयर करते हैं 15 to 20 लाख करते हैं हमेशा, और पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 8 से 10 घंटे यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था तो मुझे 10 से 12 घंटे इसमें भी पढ़ना पड़ा, पर इसमें ऐसा था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो बेसिकली मेरे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे जॉब पाने के इतनी मेहनत में। यूपीएससी में इंटरव्यू आ जाता है, उसमें राइटिंग स्किल्स आ जाते हैं, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हम कुछ एग्जैक्ट कर नहीं पाते, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ यस यस एग्जैक्टली यही होता है, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है काफी। अच्छा ठीक है, राइट। हाँ जी बताइए। हाँ तो ऐसा है कि एसएससी भी आज की डेट में टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन एसएससी इज द हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि बेस ही इतना ज्यादा है इस समय। एंड 2016 या 15 में हमने शुरू किया था, लेवल इतना ज्यादा चेंज हुआ है, इतना ज्यादा एडवांस किया उन्होंने मैथ का, तो उसको काबू में करने के लिए ही हमें 1-2 साल लग गए। जितना ज्यादा चेंज हुआ है, जिस दौरान मैं 4 साल रहा हूँ उस दौरान में इतना शिफ्ट हुआ है, जो पहले करंट अफेयर्स आते थे बेसिकली, पहले जीके आती थी, जनरल साइंस आ गई, हिस्ट्री आ गई, उसको जैसे ही वेंडर चेंज हुआ, पहले सीफी लेता था एसएससी का एग्जाम 2016 तक, 16 या 17 तक। तो जैसे ही ये पता चला कि इसमें चीटिंग हुई है और बच्चों ने विद्रोह किया वहां पे जाके कि हमें चेंज कीजिए इसको, फिर टीसीएस आया, फिर टीसीएस ने अपने तरीके से लेना शुरू किया, फिर फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बिल्कुल ही पैटर्न ही चेंज कर दिया, जो हमने 1-2 साल पढ़ा था वो कुछ आया ही नहीं, कुछ और ही आ गया। फिर हमें धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि ये चीजें अब टीसीएस पूछेगी, तो हमने उस हिसाब से शुरू किया। ये चेंज के कारण भी हमारे 1-2 साल, हमारी जनरेशन के 1-2 साल खराब हुए थे एसएससी में काफी। तो हाँ, जिन्होंने कैट की तैयारी की हुई थी उनके लिए आसान था उस समय, कैट या बैंकिंग की, क्योंकि मिक्स आ गया था उस समय सब कुछ, एसएससी से अलग आ गया था, लेकिन अब वो ट्रैक पे लेके आ रहे हैं टीसीएस वाले, जैसे एसएससी का आता था एग्जाम हुआ ये बेसिकली। अच्छा साहिल, अब हम लोग चलते हैं कि जो बुक्स थी आपकी एसएससी की, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है और स्टूडेंट को अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई थिंक आपने सेल्फ स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी किया मैंने जी, हाँ, तो सेल्फ स्टडी की और 8-10 घंटे पढ़ते थे या 6-8 घंटे पढ़ते थे, कैसा रहता था? जी मैं बताता हूँ, अभी भी मैं इसके टच में हूँ तो आई कैन गिव यू बेटर आंसर रहा हूँ। बेसिकली एसएससी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको बेस बनाना है तो इतने टीचर्स है यूट्यूब पे फ्री में, तो आप अगर आपको सिलेबस पता है अच्छे से एसएससी का, तो आप आराम से अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे 4 से 5 महीने लगेंगे आपको अगर लगातार 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हैं। उसके बाद सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, मैंने एक्चुअली टेस्ट बुक यूज किया था, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यूज किए थे, उनकी टेस्ट सीरीज भी इतनी ज्यादा यूज नहीं की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने अच्छे हैं इनके, ये जो टीसीएस बनाता है,
तो एक ही एग्जाम में कम से कम इनकी 30 शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, 3,000 क्वेश्चन हमें ऐसे ही मिल जाता है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में उठाए जाएं, सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना, फोकस किस पे देना है, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा, क्योंकि प्री आता है इसमें, टीयर 1 आता है, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1, 2, 3 के नंबर लगते हैं। टीयर 1 में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK 50-50, 50-50, और टीयर 2 में आता मैथ और इंग्लिश, जो होते हैं 200-200 मार्क्स, इसीलिए मैथ टोटल 250 मार्क्स का हो जाता है और इंग्लिश भी। तो पिछले साल से मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि इंग्लिश भी इन्होंने इतनी अच्छी डालनी शुरू की है कि बच्चा गलती करे, उससे पहले इजी इंग्लिश आती थी कंपेरेटिवली। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें बैंकिंग जैसे रीडिंग नहीं है इंग्लिश में, लेकिन इसमें एरर, मतलब SSC के टाइप की इंग्लिश है, कि मतलब ज्यादा एरर्स पे इन्होंने फोकस किया। हमें उसके लिए नीतू सिंह पढ़ी थी मैंने, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, तो वो तो बेस है ही है इंग्लिश का। खैर, और आज की डेट में मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी के भी आप उठा सकते हैं, जैसे कि ये बुक है मेरे पास पड़ी इस समय, गगन प्रताप की, एक मैंने क्लास नोट्स ले लिए थे, अगर बेस क्लियर करना है तो। जस्ट अ सेकेंड, लेकिन जस्ट अ ओके सेकेंड। यस, तो बेसिकली GK मैंने, एक ही बुक है इसका, बाइबल बोलते हैं, लूसेंट GK, लूसेंट GK ही मैंने यूज की थी, ये बुक है वो। तो ये मोस्टली हर एग्जाम के लिए यूज होती है, और कोई भी प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उठा सकते हैं कोई भी, जैसे आप सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर, किसी का भी आ सकता है यहाँ पे ऑनलाइन, तो कोई भी बुक उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर तो सेम ही होंगे सबके एक्चुअली। और इंग्लिश के लिए तो नीतू सिंह है ही है, उसके लिए तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हम करते, और रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर जहाँ से भी मिल जाए, जोन से भी प्लेटफॉर्म से मिल जाए, तो प्रीवियस ईयर आप उसे अटेम्प्ट कीजिए रीजनिंग के, और डेली के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर लीजिए उसके, तो रीजनिंग कवर हो जाती है आज के। और कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट जो एग्जाम्स आए हैं वो कहीं भी प्लेटफॉर्म से मिलता है तो उसकी रीजनिंग की जाए, क्योंकि रीजनिंग काफी अच्छी बनाने लग गए हैं इस समय वो TCS ओके वाले। ओके, राइट जी राइट राइट। तो साहिल, आप ये जो किताबें आपने पढ़ी, तो इनके बाहर बियॉन्ड कई बार क्या होता है, जैसे जनरली देखा जाता है कि जो कोर्स बिकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कोई जी 500 वीडियोस होती है, 500 घंटे के कोर्सेज होते हैं, हजार जी घंटे के बिल्कुल कोर्सेज होते हैं। सो डू यू बिल्कुल कंसिडर दोज कोर्सेज की यार वो 500 और हजार घंटों के कोर्सेज जो है स्टूडेंट खरीद रहा है और उससे सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा होता है कुछ? जी ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे मन में भी, और ये मैंने भी किया है खैर 500-1,000 घंटे का, लेकिन सच ये है कि हमें सिलेक्टिवली ही पढ़ना पड़ता है, इतना तो समय होता ही नहीं है, हमने कौन सा 2 साल देने हैं एग्जाम को। तो हमें 6 महीने में तैयारी करके, बेसिक स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम के क्वेश्चंस भी लगाने शुरू कर देने होते हैं। तो बेसिकली जो जो मैंने किया था उससे नुकसान हुआ था मेरा समय का, 500-1,000 घंटे की जरूरत नहीं होती। जरूरत ये है कोई आपको गाइड कर दे कि इस टॉपिक में से, ज्योमेट्री के टॉपिक में से ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर कोई गाइड नहीं भी करता, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए कि सर्कल में से ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप सिर्फ सर्कल टाइप कीजिए यूट्यूब पे, और कुछ ना कुछ सामने आपके अच्छे टीचर आ ही जाएंगे। आज की डेट में इतना वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो उससे आप तैयारी ज्यादा कर लीजिए। 500 और 1,000 घंटे तो कभी कवर कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो सिलेक्टिव ही करना पड़ेगा। अगर लाइन में आप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा उसमें। तो आप बेसिकली प्रीवियस ईयर को देख के क्या क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक पे जंप कर दीजिए, बस ये ही समझदारी का काम रहेगा SSC में, वरना ये क्वेश्चन ये 5 साल खा जाएगा SSC आपको, कुछ ऐसा होगा अगर अगर पूरा 500 घंटे का ही देखेंगे तो आप। आपने असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर का भी सिलेक्शन आपका हुआ है? द रिक्रूटमेंट इज स्टिल ऑन, राइट? Yes, I will get that post for sure. I have ओके that much of mark. ओके मतलब ये पोस्ट आपको मिलने वाली है, और ये जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है ये भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो दोनों में से फिर कहाँ पे स्विच करेंगे, एग्जिस्टिंग में या फिर नई वाली में? नहीं, मैं एग्जिस्टिंग में ही रहना पसंद करूंगा, मुझे काफी पसंद आ रहा है इसका काम, तो अच्छा, मैं यही रहना पसंद करूंगा अपने अपनी सिटी में खास करके। राइट राइट राइट, इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एक्चुअली। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, ये जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है सब इंस्पेक्टर की, दैट जॉब इज लाइक व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल, काम क्या होता है और वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? काम तो हमारा ये है कि
जो भी लैंड है, पब्लिक लैंड है, उस पर इंक्रोचमेंट नहीं होनी देनी हमने किसी भी तरह की, चाहे वो वहां पे ट्रक खड़े हैं, चाहे वो किसी दुकान ने आगे अपना सामान लगा लिया है, चाहे कोई रेडी फड़ी आ गई है, उसने अपना लगा के पूरा जाम कर दिया है एरिया को, तो हमें, हमारा मेन काम है कि उसको हटाना है, पब्लिक को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए इस चीज में। तो इनक्रोचमेंट फ्री चंडीगढ़ इज आवर मोटो एक्चुअली। तो मेनली काम यही है कि किसी भी तरीके का इनक्रोचमेंट नहीं होने देना कहीं भी। ओके और मतलब ये ना आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ ऐसे जनरल सा सवाल है, मुझे नहीं पता ये बच्चे को मतलब लिंक होगा कि नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जैसे दिल्ली में कि वो ठेले वाले जो होते हैं जो सामान अपना बेच रहे होते हैं, तो यही आई थिंक आप ही वाला जो काम होता है कि वो ठेले वाले को एकदम से उनकी सब्जियां सब्जियां फेंक देते हैं, उनका सामान फेंक देते हैं। सो इज दिस द लीगल वे टू मेक श्योर कि इनक्रोचमेंट रुके? ये आपको सिखाया जाता है कि इस तरीके से फेंक दीजिए सामान, या क्या इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये है, जो हमें, वैसे तो हम किसी को तंग करते नहीं है जब तक कि स्मूथली चल रहा है। हम लाइसेंस इश्यू करते हैं हमारे डिपार्टमेंट, अगर वो लाइसेंस आया है और आप अपनी जगह पे बैठे आए, हम आपको हाथ भी नहीं लगा सकते, आप जितनी मर्जी देर बैठिए, जो आपका टाइम है, चाहे रात को बैठिए चाहे दिन को बैठिए। लेकिन अगर किसी आईटी सेक्टर का आपके पास पास है और आप 15 में आके ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, पहले दुकानदार आपसे लड़ेगा, वो वहां वॉयलेंस होगी, पुलिस हमारे पास आएगी कि ये क्या कर रहे हो आप, अपना काम नहीं कर रहे। फिर दूसरा जो वेंडर है वो उससे लड़ेगा, फिर जो पब्लिक अलग से डिस्टर्ब होगी वो होगी। अब इन चीजों को देखते चार बंदों को बचाना हमें ज्यादा जरूरी हो जाता है एक के मुकाबले। उसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है, जहाँ पे बैठना है वहां पे बैठो, हमने किसी ने कुछ नहीं कहना, हम लाइसेंस देखते हैं और चले जाते हैं वहां। मोस्टली ये है, अगर आप इलीगल काम करेंगे तो ये सब कुछ होगा ही होगा। ओके ओके जी गुड, ठीक है। तो साहिल मुझे ये बताइए, अभी जो एग्जिस्टिंग जॉब आप कर रहे हैं, इसमें अब आगे का क्या गोल ऑफ प्लान ऑफ एक्शन है आपका? यू कंफर्टेबल इन दिस जॉब, सेटिस्फाइड इन दिस जॉब? अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसा इट इज अ मिथ नाउअडेज कि हर सरकारी नौकरी आपको कंफर्ट देती है, इट इज एक्चुअली नो, नाउअडेज इट इज एक्चुअली अ मिथ, इट इज एक्चुअली अ मिथ, एंड आई एम अ वर्कहोलिक पर्सन एक्चुअली, एंड आई लव टू सर्व माय सिटी, दिस इज इनसाइड माय ब्रेन। इफ आई एम गोइंग टू जम्मू एंड डू दीज थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। तो सिर्फ मैं अपनी सिटी को सर्व करना चाहता हूँ, और मुझसे 10 घंटे काम कराया जाए चाहे 14 घंटे कराया जाए, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस ये है, हमारा टाइमिंग वैसे मोस्टली शुरू होता है 11:30-12 से, और रात को 9:30 तक रहता है मोस्टली, ऐसा रहता है कुछ टाइम। वो हमारे सीनियर्स पे होता है कब हमें छोड़ना है कब नहीं छोड़ना, पर उन्होंने जितना कह दिया ये टाइम मोस्टली रहता है 8:30-8 घंटे का। तो हम उस टाइम पे देखते हैं कि कोई भी चीज ब्लॉकेज ना हो कहीं भी, कोई रोड ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, हम पुलिस के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा ठीक है जी। और मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं रहती है? कई बार आपको 9:30 बजे तक रहना पड़ता है, कई बार जी, पहले भी चले जाते हैं सब ऑर्डर्स पे होता है, सब ऑर्डर्स पे होता है, और हमें काम करना पड़ता है, और हमारी छुट्टी भी रोस्टर पे होती है और पूरा बनता है। वो छुट्टी भी हमें वैसे नहीं है कि मिलेगी मिलेगी, वो नाम आता है वो कुछ दिन, इनका अपना क्राइटेरिया होता है कि 4 दिन बाद एक छुट्टी देनी है, जैसा भी हमारा सीनियर डिसाइड करते हैं हम पे गो थ्रू करते हैं। अच्छा, मतलब 6 days a week है या 5 days a week है? मोस्टली तो वैसे तो 6 days a week है, पर 7 भी बुला सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। अरे वाह। अच्छा अच्छा काम, गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आराम मिलने वाला है। ऑफिस में भी मैं तो खुद गया हूँ, देखा मैंने कमिश्नर मैम कैसे काम करते हैं, एडिशनल कमिश्नर कैसे काम करे, वो दिन रात काम ही करते हैं। तो अब पहले वाली बात नहीं रही है, काम काफी ज्यादा है हर जगह, इतनी सिटी संभालना मुश्किल है, बिना काम के तो हो नहीं सकती ये चीज। राइट राइट राइट। सो जब ये जो जॉब आपको मिली, तो आपके मदर की क्या रिएक्शन थी कि शी वाज हैप्पी, सैटिस्फाइड, सिक्योर्ड? वेरी हैप्पी एक्चुअली, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड मैं भी यहाँ रह रहा था तो मेरे फादर है नहीं, तो बेसिकली काम मुझे ही करने पड़ते हैं सभी, तो उन्हें काफी खुशी थी कि पास रह रहा हूँ और काफी हमारे घर के काम अब हो जाएंगे, मैं भी अब सेटल्ड हूँ काफी, इसका काफी काफी हैप्पी थे। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। तो साहिल कुछ ऐसी चीज जो, क्योंकि आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, आपने 2017 से शुरू किया, लेकिन इंजीनियरिंग के टाइम पे भी आप सोचते होंगे कि यार कुछ इंजीनियरिंग करके मेरे को अच्छी जॉब शायद मिले ना,
या वो जो होती है एक्सपेक्टेशन वो नहीं मीट करती है इंजीनियरिंग करने के बाद, सभी की तो नहीं मीट करती है आजकल, सभी की नहीं करते एग्जैक्टली exactly. तो उसके बाद यू वेंट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आपका स्ट्रगल भी काफी लंबा खिंच गया और एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट द फ्रूट, है ना, आपको आपके यस परिश्रम का रिजल्ट मिल गया। और सबसे गॉड बड़ी इज बात ग्रेट यह है कि आप घर पे अभी यू आर इन योर सिटी सर्विंग इन योर सिटी, दैट इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड थिंग फॉर यू, है ना। तो यस उस एग्जैक्टली सिचुएशन में इतना जो जर्नी रहा आपका, तो इसमें कुछ ऐसी चीज है जो आप बताना चाहते हो कि हाँ इस टाइम पे आए जस्ट रियलाइज की यार अब तो खत्म है, लेकिन देन आल्सो यू डिसाइडेड कि आप नहीं, पर अभी तक खत्म नहीं है, अभी कुछ बचा हुआ है हिस्सा। ये एक्चुअली ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है काफी पर्सनल और काफी इमोशनल है। तो मेरी जर्नी 2013 में कंप्लीट कर ली थी मैंने अपने अगस्त में डिग्री। 2014 में मुझे पता चलना शुरू हो गया था इन एग्जाम का, 14 से लेके अब 22 लगा लीजिए 8 ईयर्स का ये स्ट्रगल है। ये छोटा स्ट्रगल नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी के एक अच्छा खासा परसेंटेज दे चुका हूँ मैं इस चीज को। और छोड़ने का हर हर मतलब तीसरे चौथे दिन जब लो होते हैं हम मन करता है, उससे बाहर कैसे निकलना है उसमें आपके दोस्त आपकी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव होनी चाहिए, आप तभी इतना लंबा चल सकते हैं। और शुरू में तो नहीं एग्जाम क्लियर हो सकता ना, शुरू में तो हो ही नहीं सकता, इतना कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, तो शुरू में तो फेलियर इतना दिखेगा, आप करेंगे क्या उस समय? अगर उस समय छोड़ देंगे तो आप फिर कहीं भी जाएं नोबडी केयर्स। एंड पर अपने आप से कुछ वादे किए थे और अपने रिलेटिव से कुछ वादे किए थे मैंने, मुझे ये करके दिखाना है, तो वो चीज मुझे काफी नेगेटिव फोर्सेस और पॉजिटिव फोर्स दोनों खींच के लेती गई आगे। और हर तीसरे चौथे दिन हो जाता है ये जब फेलियर दिखता है, पर जब रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो अच्छा भी लगता है कि हमें ये चीज अचीव कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी स्ट्रगल है हमारी। और इसी नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स से मतलब आगे जाता रहा मैं और अपने आप को करता रहा, और मैं काफी स्टबर्न भी हूँ इस चीज में, जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है उस समय पे, चाहे मुझे आता है चाहे नहीं आता है। विद टाइम जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, यू गेट द एबिलिटी टू डू दैट थिंग, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है भी नहीं तो वही सच था। मैंने एक्चुअली एमए इन गांधीयन एंड पीस स्टडीज भी किया है, तो उनके इसी कोर्स पे मैं चलता रहा और मुझे काफी सक्सेस मिली आखिरी में जाके विद गॉड ग्रेस इन द एंड। तो ओके ऐसा okay. है तो एक्चुअली साहिल से मैं मिला था इन लाइब्रेरी, एंड साहिल ही वाज वेरी स्टूडियस पर्सन, एंड बहुत अटेंटिव रहना है, डेली लाइब्रेरी आना है, और वो जो फ्रेंडशिप हमारी रही है वो तब से लेके अब तक है। काफी साहिल लंबी साहिल की डायरेक्शन कुछ अलग हो गई, मतलब जो था वो मिल गया, मेरी डायरेक्शन कुछ अलग हो गई, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव और एंड रिजल्ट है दैट इज टू सर्व द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट वी पीपल आर डूइंग इन अ वेरी बिल्कुल पॉजिटिव एंड वेरी डायरेक्टेड मैनर। तो वेरी साहिल गुड मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली यू थैंक हैव यू सो मेनी ऑप्शन की नाउ यू चूजिंग की यार कौन से में जाऊं, विच वन इज यस यस बेटर, थैंक तो ये यू बहुत अच्छी चीज है, एंड यू गॉट द रिजल्ट राइट। थैंक यू एनीथिंग थैंक एल्स यू वॉन्ट टू से? बस हार्डवर्क इज द की। मैंने अपनी हमेशा सिस्टर को भी ये समझाया है, जो भी मुझे अच्छा मेरे से गाइडेंस लेने आता मैंने उसे यही बताया, हार्डवर्क इज द की, बट डेस्टिनी इज ऑल्सो द थिंग, यू हैव टू बिलीव गॉड। आखिरी में जो भी मिलेगा ना, जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो वो देगा वही, अगर उसकी मर्जी होगी तभी मिलेगा, पर आपको उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। यही मेरा की रहा है इसमें और यही मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि वहां पे पहुंचो, मिलेगा नहीं मिलेगा वो गॉड की मर्जी आ गया आपके लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो जी हार्डवर्क जो है पूरे प्योरिटी से होना चाहिए, एंड जी आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ और बेटर जी मिल जाए, है ना, कम तो जी नहीं मिलेगा, बेटर ही मिलेगा, बेटर और नहीं अच्छा मिल रहा लगेगा, आपको गिल्ट फील नहीं बिल्कुल होगा, एंड यू विल बिल्कुल बी ब्लेस्ड, है ना। चलो यस सर तो साहिल, इट इज नाइस इंटरेक्शन विद यू, एंड आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया अपने बारे में, और जी सर डेफिनेटली इस वीडियो को देख के स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली मोटिवेट होंगे होंगे, और जी कुछ सर नया कुछ सीखने को उनको मिलेगा, राइट। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे भी काफी अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके, थैंक यू सो मच। थैंक यू साहिल, थैंक यू, थैंक यू।